अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के तरफ से ये शेयर किया जाए कि हाउ कैन यू गेट योर कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। इस वेबसाइट से, ये जो वेबसाइट है, डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ कि इसके वेबसाइट तक आपको पहुँचना कैसे है। यहाँ से आपने अपने कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो आपके आज कल डिफरेंट जगहों पर डिमांड किया जा रहा है, वो आप सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का प्रोसीजर जो है आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करने जा रहे हैं तो इसकी प्री रिक्विजिट है कि आपने अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट की होनी चाहिए, तब आपको सर्टिफिकेट यहाँ से मिलेगा। अभी तब पहले सबसे पहले इस वेबसाइट पे पहुँचना कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ कि गूगल ओपन करें, उसके ऊपर आप NIMS टाइप करें। NIMS क्या बनता है इसे वो भी आपको पता चल जाएगा। जो पहला लिंक आपको अवेलेबल होगा गूगल से, तो आपने गूगल सर्च पे वो आपने उस पर क्लिक कर लेना है। ये नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसका एब्रीवेशन है, ठीक है जी। खैर, इससे एब्रीवेशन से लेना देना हमारा कुछ नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है NIMS आपने टाइप करना है। इसको आप जब स्क्रोल करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये इन्फॉर्मेशन, जो शनाख्ती कार्ड नंबर जिनके आगे स्टार लगा है, वो कंपलसरी इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा, लेकिन क्योंकि यहाँ लिखा है वैक्सीनेशन के लिए अंदराज, हमने अंदराज नहीं करवाना, हमने सर्टिफिकेट हासिल करना है। तो इसी को आप आगे थोड़ा सा कर्सर को देखें तो सेटअप लिखा कोरोना का सर्टिफिकेट। सारी वेबसाइट उर्दू में है, बहुत ईजी है, आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके पास कोविड का सर्टिफिकेट का आगे पर फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो आपके पास पहले पेज के ऊपर सिर्फ दो जो इन्फॉर्मेशन है, दो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। सबसे पहले आपने अपना CNSE यहाँ पे टाइप करना है, और यहाँ पे शनाख्ती कार्ड या CNSE की इशू डेट टाइप करनी है। इशू डेट आपके CNSE के ऊपर होती है, और फिर आपने यहाँ पे कोड डालना है, जैसे ये 1+3 वो 4 करके यहाँ पे डाल देना है। अभी मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर लूँ, और इन्फॉर्मेशन को मैं फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आपसे मिलता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, जैसे ही इन्फॉर्मेशन फिलअप अपनी कर ले, तो आपने तस्दीक करें के ऊपर क्लिक करना है। मैं भी ये काम करके आपको नेक्स्ट सेकंड पेज के ऊपर मिलता हूँ, आप भी वहाँ तक पहुँचे। अच्छा, एक बात आपके साथ और शेयर कर लूँ कि जो CNSE नंबर है आपने वो बगैर डैशेस के, मतलब डैश उसके अंदर ही डाल लें, स्पेसिस नहीं डाल लें, बस आपने टाइप कर देने हैं आपके 40 जो डिजिट जो है वो सारे टाइप कर देने। इसके बाद आपने जब डेट इंटर करनी है, तो डेट जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके ऊपर, तो आपके पास इस तरह ये ओपन हो जाएगा। तो आपने अपनी डेट ऑफ जो है इशू उसकी कर दिया, जैसे मैं आपके पास आपने एक टेम्प्रेरी सी डेट डाल देता हूँ, जैसे 40 डाला, फिर यहाँ से आपने फिर मंथ सिलेक्ट करना है 4 अक्टूबर, इसके बाद आपने डेट पे क्लिक करना है, ठीक है। ये करने के बाद फिर आपने बाकी इन्फॉर्मेशन फिलअप है तो आपने तस्दीक करने पे क्लिक करना है, या उसके बाद पहले आपका ये वाला कोड रहता होगा वो आपने करके आप तस्दीक करने पे क्लिक करना है आपने। अच्छा जी, जैसे ही मैंने वो तस्दीक करने पे क्लिक किया, तो सेकंड पेज वो मेरे पास मेरी वैक्सीनेशन की डेट लेके आ गया है कि आपको वैक्सीनेशन कौन सी लगी है। मुझे जी 6 जून 2021 को लगी, खुराक एक लगी, और हेल्थ केयर यूनिट की यहाँ पे डिटेल है, और यहाँ पे वैक्सीनेशन जो लगी उसकी कैंस हाइरो मुझे लगी, तो वो उसकी डिटेल है। अब ये जब हो जाएगा तो आपने इसको बस आपने जस्ट वेरीफाई करना है, आपने इसको कुछ भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसके अंदर डाटा एंट्री नहीं मांग रहा वो, आपने जस्ट तस्दीक करें पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप तस्दीक करें पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, थर्ड वाला पेज। आप इसको स्क्रोल डाउन करें, जैसे ही आप स्क्रोल डाउन क्लिक करेंगे स्क्रोल डाउन कर लेंगे, तो आपके पास जो अगली इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा है, तो वो वाली आपसे इन्फॉर्मेशन, ये वाली आपका नाम मांगे, कंप्लीट नेम आपसे पूछेगा। जैसे ही मैं कंप्लीट नेम इंटर करता हूँ, पासपोर्ट नंबर के आगे कोई स्टार नहीं है, तो आपको जरूरत नहीं कि पासपोर्ट नंबर इंटर करें, आप आगे कॉबियत मीन नेशनैलिटी आप इंटर करनी है, अपनी कास्ट इंटर कर दीजिएगा। आप जैसे ही खैर क्लिक करेंगे, ये टाइप नहीं करना आपने, वो आपके पास वैसे ही आ जाएगा। तो आपने इसको भी क्लिक करें, तस्दीक करें भी, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो जैसे ही आप तस्दीक करें भी क्लिक करेंगे, तो आप अगले पेज पे जब पहुंचेंगे, तो आपके पास यहाँ पे आपका CNSE आपको शो हो रहा है, और आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते पे, और ई सहूलत से कर सकते। क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ क्रेडिट कार्ड, लेकिन अब अगर आपके पास डेबिट कार्ड में अगर आपने फैसिलिटी जो है बैंक की तरफ से होती है ऑनलाइन की, आपने अगर एक्टिवेट करवाई होती है, आप उसके ज़रिए भी पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड के ज़रिए, और एक्टिवेट होना चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए सिर्फ वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड। डेबिट कार्ड भी वो जो आके टाइप के सोते हैं, अगर यूनियन पे वगैरह है तो वो आप पे नहीं कर सकेगी। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास ई सहूलत का, ई सहूलत पे आप जब क्लिक करेंगे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ,
ये जी मैंने इस सहूलत पे क्लिक करके दिखाया आपको। अगर मैं उस पे दूसरे वाले पे करता क्रेडिट कार्ड पे, तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी पड़ती, तो आप जब भी जो भी करना चाहेंगे तो आप जब क्लिक करेंगे तो आप खुद ब खुद कर सकेंगे उसको, कोई ऐसा कोई इशू नहीं है वहाँ पे। अब इसके मैं थोड़ा बताना चाह रहा था कि आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ट्रैकिंग नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रैकिंग नंबर है, जैसे ये एक नंबर आ रहा है, सही है जी, एक जनरेट हुआ नंबर। आप इस नंबर के ऊपर जाके तो ये नंबर आपको शो हो रहा होगा, आप जाइए ई सहूलत, जो नादरा ई सहूलत वाले कुछ सेंटर्स बने होते हैं वहाँ पे जाके आप उनको, अगर जो भी उनकी फ़ी होगी, खैर यहाँ पे आपने देना तो 100 है, लेकिन क्योंकि उसकी अपनी फ़ी भी कोई होगी सर्विसेज की, तो आपने वो फ़ी जब आप देंगे उसको तो आपकी वो 100 रुपीज़ डिपॉजिट कर देंगे। जैसे ही आप डिपॉजिट करेंगे तो आके आपने उसमें वहाँ से जब हो जाएगी तो आपने अदायगी की तस्दीक करें पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका आगे ऑप्शन आएगा कि आप हाउ कैन यू डाउनलोड योर कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जैसे क्लिक होगा तो आप उसे डाउनलोड कर सकेंगे। अच्छा जी, अच्छा, तो वीडियो का आखिरी पार्ट सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि अपना सर्टिफिकेट जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में सबमिट करना चाह रहे हैं, जैसे मैं भी वहाँ पर सबमिट करना चाह रहा था। तो आपने कोविड-19 वैक्सीनेशन वाला जैसे है एक टैब बना हुआ, आपने क्लिक करना है वहाँ पे, आपने कहना कि आर यू वैक्सीनेटेड, आपने कहा यस। यस के बाद जो आपकी डिटेल पूछेगा, जैसे ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको कौन सी लगी थी, मैंने कहा जी साइनोवैक लगी थी, मैंने क्लिक कर दिया उसके ऊपर। अपने को उसने कहा फर्स्ट डोज लगी थी, मैंने कहा यस फर्स्ट डोज लगी थी। उसने मुझसे डेट पूछ रहा, तो मैं यहाँ पे उसे बता रहा हूँ कि मुझे ना ये लगी थी 6 जून को लगी थी, और मैं इसको अगर ऐसे जून कर दूंगा तो ये जून में इस तरह करके सक। अच्छा, मुझे एक ही डोज लगी है, और फर्ज कर आपको एक ही डोज लगी है, तो आपने एक डोज का आपके पास सर्टिफिकेट होगा, तो आप ये करने के बाद सेकंड डोज है तो इंटर कर दें, अदरवाइज आप क्या कर रहे हैं, चूज फाइल फ्रॉम वो ही सर्टिफिकेट जो वहाँ से भी डाउनलोड किया था वो आपके डेफिनेटली आपके पास सॉफ्ट कॉपी में आपके पीसी में भी पड़ा होगा, तो आपने वो वाला यहाँ से क्लिक जब करेंगे तो आपके पास वो आपको आपके पीसी के अंदर ले जाएगा, और वहाँ से आप अटैच करके इसको सबमिट कर सकते हैं सबमिट रिक्वेस्ट पे रख के, ठीक है जी। ये सारी डिटेल थी कि हाउ कैन यू सबमिट योर कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इन टू योर वीओ लेवल अकाउंट। तो कोई भी कन्फ्यूजन है तो यकीन आप समझदार हैं, खुद भी समझ जाएंगे, अदरवाइज कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको गाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।